For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. भूमि कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। ट्रेलर देख के उतना नहीं लग रहा था कि पिक्चर उतनी अच्छी होगी, बट मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू ट्रेलर से जो आया था। उसके बाद जो मूवी का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल, काफ़ी टाइम के बाद संजू बाबा को देखा, इट्स लाइक उनकी कमबैक फिल्म है, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देख के फिल्म में वापस से। बहुत अच्छा लगा, संजय तो ऐसा लग रहा है कि उनके कमबैक है, बिकॉज यू नो इतना टाइम बाद उनने जिस तरह से एक्टिंग की है, ऐसा लगता नहीं कि मतलब वो इतना टाइम रुका हुआ था, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंटिन्यू एक्टिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली इतना गैप होने के बाद उनका एक्टिंग और ज़्यादा सुधारा एक्टिंग में, और उनकी लड़की वो अदिति राव हैदरी, दोनों की मतलब बॉन्डिंग अच्छी लगी दोनों की मूवीज में। अच्छी फिल्म लगी, मतलब संजय दत्त की वापसी है और इंटरेस्टिंग फिल्म है, और एक एक यू नो एक बाप बेटी की जज्बाती कहानी है जो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगी। फिल्म अच्छी है, मतलब आफ्टर काफ़ी टाइम के बाद संजय दत्त कम बैक कर रहा है, और मैं उसका फ़ैन था तो मैं उसके लिए देखने के लिए आया, तो जैसा कि संजय दत्त की एक्टिंग के ऊपर तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि संजय दत्त का एक्सपेक्टेशन थी कि ये मूवी के साथ उनका कम बैक है इतने सालों बाद, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी थी। उनका जो एक्टिंग है, जो लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, एकदम मस्त से कि देखनी चाहिए फिल्म, स्पेशली जो संजय दत्त के फैंस हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो पहले की जो मूवी थी उनकी एक्शन वगैरह थी, और ये जो मूवी है उनकी इमोशनल ड्रामा है और काफ़ी अच्छी, तो ये दोनों अलग प्रकार की थी। और वैसे ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी है जो फादर और डॉटर के रिलेशन दिखा रही है फिल्म में। अदिति रॉय हैदरी भी है मूवी में, तो लाइक उनकी एक्टिंग कैसी लगी? उनकी एक्टिंग हमेशा से ही काफ़ी अच्छी रही, शी इज़ क्वाइट यू नो शी इज़ लुकिंग क्वाइट गॉर्जियस इन द मूवी, और काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री था उनका और संजय दत्त का मूवी में, तो शी इज़ वेरी नाइस इन द मूवी। बहुत बढ़िया है वो, और जो संजय दत्त की बाप बेटी की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। बोलूँगा कि आप देखिए, हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, बेटी और हाँ बेटी और बाप की जो केमिस्ट्री है वो ज़रूर देखिएगा। जी या अदिति राय अदिति हैदरी जो है वो काफ़ी अच्छी रही है, मतलब कंपेयर टू उनकी अदर फिल्म्स, ये फिल्म में काफ़ी अच्छी रही। अच्छा, तो लाइक बॉन्डिंग कैसी नज़र आई? जी बिल्कुल, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इमोशनल लग रहा था, जो ड्रामा था एकदम रियल लग रहा था, और दोनों की जो बॉन्डिंग थी काफ़ी बेहतरीन थी। अगर आप देखें जो अदिति राव हैदरी और संजय दत्त के बीच का जो प्यार दिखाया है, जो एक बाप बेटी का रिश्ता दिखाया है, और फिर एक सीधा साधा आदमी कैसे सिस्टम के अगेंस्ट जाता है अपनी बेटी के लिए, कैसे उसकी मदद करता है, कैसे उसका बदला लेता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रेश लगा, एक बाप बेटी में, मेरी भी बेटी है तो मुझे कहीं मैं उसे कनेक्ट हो रहा था कि अपनी बेटी के साथ उसके रिलेशंस, और डायलॉग भी थोड़े बहुत अच्छे लगे। तो गाने कैसे? गाने में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे दो तीन जो वेडिंग सॉन्ग्स है, और एक लग जा गले मेरा फेवरेट है जो राहत फ़तेह अली खान ने गाया है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो देखिएगा। 5 out of 5। I'll rate the movie, you know, 3 star. 2.5. 5 में से 3 star. 3 out of 5. मैं 5 में से 4 stars दूंगी।